नागपुर के बस्सी से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। रीट भर्ती परीक्षा को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर के बस्सी से। जयपुर के बस्सी से इस वक्त की बड़ी खबर, रीट परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों ने हंगामा किया। पेपर लेट मिलने से परेशान होकर उन्होंने हंगामा किया। हंगामे के बाद कॉलेज प्रशासन और प्रबंधन को सूचित किया गया। सूचना के बाद बस्सी एसडीएम शिवचरण शर्मा मौके पर पहुंचे। एसीपी सुरेश सांखला और थानाधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि परीक्षार्थियों ने धांधली और पेपर लेट देने का आरोप लगाया है और इसी बात से नाराज होकर उन्होंने हंगामा भी किया है परीक्षा केंद्र पर। एवन संवाददाता पुरुषोत्तम तिवारी फोन लाइन पर मौजूद है हमारे साथ। जी पुरुषोत्तम, विस्तार से पूरे मामले की जानकारी दें। जी मैं बता दूं, बस्सी के एक निजी कॉलेज में रीट परीक्षार्थियों ने जमकर हंगामा किया है। पूरा मामला यह है कि जो निजी कॉलेज है वह 3 मंजिल की है और वहां पर ऊपरली जो मंजिल थी वहां पर पेपर पहुंचते पहुंचते 5 से 7 मिनट की देरी हुई, जिसको लेकर परीक्षार्थियों ने जमकर हंगामा खड़ा कर दिया। कॉलेज संचालक के नियंत्रण में मामला नहीं होते देख उन्होंने प्रशासन को सूचना दी। सूचना पर बस्ती एसडीएम शिवचरण शर्मा, बस्ती एसीपी सांकड़ा, बस्ती थानाधिकारी सोनलाल मेघवाल, मैं जाते मौके पर पहुंचे और परीक्षार्थियों से बातचीत की। उसके साथ में ही परीक्षार्थियों के साथ साथ उनके परिजनों ने भी जमकर हंगामा खड़ा कर दिया। हालांकि समझाइश के बाद में पेपर दोबारा से शुरू कर दिया गया। अभी मामला बिल्कुल शांत है और प्रशासनिक अधिकारी से बात की गई तो उनका कहना है कि पेपर लीक जैसी अभी ऐसी कोई सूचना नहीं है, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से पेपर चल रहा है। जी भारती। जी पुरुषोत्तम, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।